नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस सही यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी जेई और ग्रुप डी के रिगार्डिंग जो भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, या आप कहें एसएससी के जो कुछ प्रश्न हैं महत्वपूर्ण वो चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों मिक्स करके पढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों का लगभग मैथ्स का सिलेबस सेम ही है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आसान दिख रहा होगा लेकिन इसमें क्या कंसेप्ट छिपा है, क्या चीज़ के लिए मैंने ये क्वेश्चन बनाया है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। कह रहा, यदि राम की सैलरी 25.26% से घट जाती है तो मूल सैलरी लाने के लिए कितना परसेंट का बढ़ोतरी करना होगा। आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको पेचीदा लगेगा। ये जो परसेंट है वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ये फैंसी आइटम टाइप का कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर फैंसी आइटम की बात करें तो 25%, 20%, 50%, 12.50% इस तरह का फैंसी आइटम आपको पता है कि इसका फ्रैक्शनल वैल्यू पता होता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसका हमें फैंसी आइटम दिख नहीं रहा है, इसका हमें फ्रैक्शनल वैल्यू पता नहीं है। कैसे निकालेंगे? अगर फ्रैक्शनल वैल्यू निकल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, जो भी दम है इसमें है। तो अब देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 20 प्लस 5.26। अब आपको कुछ ना कुछ दिख गया होगा। ठीक है, 20 का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, 5.26 का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/19। ठीक है, अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हो गया। उन्हें पचे 95 और ये क्या हो जाएगा, 9 पचे 45, यानी कि 19 प्लस, और ये 5, यानी कि ये हो जाएगा 24/95। कहने का मतलब ये है कि इसका फ्रैक्शनल वैल्यू ये आ गया। मतलब अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इतना सैलरी था, इतना क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज हो गया यानी कि इतना घट गया, तो कितना हो गया होगा, 95 से चला गया, ये हो गया 7 और 1, 71 चला गया। तो हमें कितना करना होगा, 71 से 95 करना होगा बढ़ाने के लिए। कितना परसेंट बढ़ा, इनिशियल ये है, फाइनल ये करना है। तो कितना परसेंट बढ़ा, 95 में से 71 घटा दे तो ये हो जाएगा 4/2, यानी कि 24/71 × 100, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो भी आंसर आएगा वही होगा। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं था, जान कहाँ पे था, यहाँ पे था। इस जान को हमने कन्वर्ट कर दिया सिंपल जान में, क्या आ गया, 24/95 था, इतना घट गया यानी कि 71 हो गया। अब हमें क्या करनी है कि 71 से फिर से 95 ले जानी है। कितना परसेंट इंक्रीज होगा, 95 माइनस 71 कर देंगे तो ये 24 इंक्रीज होगा। 24 को हम परसेंटेज की वैल्यू में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, 71 के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा आंसर होगा फाइनल, जो भी आंसर होगा। हालांकि ये थोड़ा आपको पॉइंट में आएगा, लेकिन आंसर यही होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसके फ्रैक्शनल वैल्यू को याद करेंगे, नहीं याद होता तो इसका कम से कम तो याद ही करेंगे, ताकि क्वेश्चन आसानी से, और भी जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो कर सके। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, एक टैंक की धारिता 2400 मीटर क्यूब है, खाली करने वाले पाइप की क्षमता 10 मीटर क्यूब पर मिनट भरने वाले पाइप से ज़्यादा है। पाइप खाली करने में भरने के अपेक्षा 8 मिनट कम लगता है, तो भरने वाले पाइप की क्षमता क्या होगी। कहने का मतलब है कि एक टैंक है 2400 मीटर क्यूब का, एक पाइप है कि जो कि भर रहा है और दूसरा पाइप है खाली कर रहा है। खाली करने वाला जो पाइप है उसका उसका क्षमता ज़्यादा है भरने वाले की अपेक्षा, यानी कि खाली जल्दी कर देगा, भरेगा लेट से। जो पाइप खाली करता है पानी को वो 8 मिनट कम लेता है। सपोज भरने वाला का जो क्षमता है वो एक्स मीटर क्यूब पर मिनट है। ठीक है, एक्स मीटर क्यूब पर मिनट है, और खाली करने वाला का क्या हो जाएगा, खाली करने वाला का हो जाएगा x+10 मीटर क्यूब पर मिनट। खाली कर रहा है वो ज़्यादा क्षमता से खाली कर रहा है, और भरने वाला कम क्षमता से। तो यानी कि जो टोटल इतना मीटर क्यूब है उसको अगर x से डिवाइड कर देंगे तो ये ज़्यादा समय लेगा, यानी कि भरने में ज़्यादा समय लेगा। कितना ज़्यादा समय ले रहा है, 8 मिनट, किसके अपेक्षा, खाली करने की अपेक्षा। यानी कि 2400 को ही अगर खाली करें इतना के स्पीड से, x+10 के स्पीड से खाली करें तो 8 मिनट ज़्यादा लगता है। सभी मिनट में ही है, यहाँ पे भी मिनट में है, इसलिए इसको हमने सेकंड या घंटा में कन्वर्ट नहीं किया।
ये सिंपल इक्वेशन है, आपको ऑप्शन देखना है और इसमें पुट करनी है, क्योंकि अगर आप इक्वेशन बनाएंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो इक्वेशन से बचने के लिए आप इसमें वैल्यू पुट करना चालू कर देंगे कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी। पूछ रहा है क्या भरने वाले पाइप की क्षमता, तो भरने वाले पाइप की क्षमता मैंने एक्स माना था, तो एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखिए हम यहाँ 50 पुट करते हैं या 60 पुट करते हैं, पहले इस तरह का जो ऑप्शन रहेगा उसमें ऐसा चीज पुट करेंगे जो कि सिंपल लगे। ठीक है, सिंपल क्या है, इसमें 50 और 60 सिंपल लग रहा है, यानी कि अगर यहाँ 50 और यहाँ पे 50 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 50 और ये 60 हो जाएगा। अगर हम इसका डिजिटल सम से चेक करें, डिजिटल सम इसका कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है, इसका डिजिटल सम 4 आ रहा है, इसका 7 आ रहा है, यानी कि सभी ऑप्शन का हमें डिजिटल सम पता हो गया। तो अगर हम यहाँ 50 रखते हैं तो देखते हैं, 50 रखते हैं तो ये 240 अपॉन 5, 5 4 20 और 8 5 40, यानी कि 48 ये आएगा, और अगर इसको बात करें तो ये 100 अपॉन 60 यानी कि 6 4 24 यानी कि 40 टाइम। इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 8 4 12 यानी कि 3, और इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 4 यानी कि -1, और -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, यानी कि 8 इधर भी और 8 इधर भी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। या आप डिजिटल सम को यूज नहीं करना चाह रहे तो 50 डायरेक्ट रखें, और जो आया उसके बाद ये 48 आया, ये 40 आया, 48 - 40 8 आ गया, तो यानी कि इससे भी आ रहा है, डिजिटल सम से बढ़िया तो यही है, इसी से आ जाएगा, तो यानी कि हमारा आंसर ये आ जाएगा। इक्वेशन बनाने से आपको बचना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 अंक की धनात्मक कितनी संख्याएं होती है, यानी कि 100 डिजिट का कितने नंबर होते हैं, आपका नेचुरल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट सीखते हैं कि एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। जैसे आपसे पूछा जाए कि एक अंक का धनात्मक कितने संख्या होते हैं, तो आप काउंट कर लेंगे उंगली पे, 1 2 3 4 करते हुए 9 तक काउंट करेंगे, 9 होती है, ये आपको पता हो गया। ठीक है, 1 डिजिट का कितना हो गया, 9 हो गया। अगर 2 डिजिट की बात करें तो 2 डिजिट कहां से स्टार्ट होगा, 10 से होगा और 99 तक जाएगा। 2 डिजिट का कितना हो गया, 2 डिजिट का 90 हो गया। 3 डिजिट का कितना हो जाएगा, 3 डिजिट का हो जाता है 900 हो जाता है। 4 डिजिट का कितना हो जाएगा, 4 डिजिट का हो जाएगा ये हो जाएगा 9000 हो जाएगा। अब देखिए कि इसमें कुछ ना कुछ आपको दिखना चालू हो गया होगा कि 1 डिजिट है तो हम कर रहे हैं 9, 2 डिजिट है तो 90 कर रहे हैं, तो 1 1 0 बढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10^0 × 9 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 10^1 × 9 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 10^2 × 9 लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितना डिजिट का हमें पूछ रहा है उससे एक कम पावर लगा के उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमसे पूछ रहा है 100 अंक की धनात्मक, यानी कि 100 अंक की क्या हो जाएगा, 1 2 4 8 7 इस तरह से 100 अंक का एक होगा, उसके बाद 100 अंक का दूसरा नंबर लिख सकते हैं, इस तरह से कितना जाएगा, कितना नंबर होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, 10^99 × 9 ये टोटल संख्या होगा कितना डिजिट का, 100 डिजिट का। ठीक है, तो आंसर ये होगा। कैसे इसके पीछे लॉजिक चल रही है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक ट्रायंगल है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है, AD क्या है, मीडियन है, तो मीडियन है तो ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। बी से एक लाइन गई जो कि AC को F पे काटती है, E पे जो काटती है AD को, उसमें कह रहा है कि AE = ED, यानी कि AE = ED दे रखा है। ठीक है, इतना दे रखा है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, AF ratio FC क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें कुछ दिख नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे कि इसको मिला देंगे। ठीक है, इसको मिला देंगे यहां से यहां तक। ठीक है, पैरेलल इसके इसके पैरेलल खींचेंगे। तो अब देखिए कि यहां पे ये जो ट्रायंगल बना, ये जो ट्रायंगल बना और ये एक ट्रायंगल बना, यानी कि अगर हम एक ट्रायंगल जहां पे इस तरह से आप मिड पॉइंट थ्योरम की बात करते हैं, एक लाइन जो कि इसके पैरेलल है इसको बराबर भागों में डिवाइड करती है, तो ये वाला भी जो रेशियो होगा वो समान ही रेशियो होगा, यानी कि बराबर भाग में ही डिवाइड करेगा। तो यानी कि यहाँ पे आप देखें, ये जो ट्रायंगल है, ये वाला जो साइड है, ये पॉइंट बराबर भागों में डिवाइड करती है, तो इस पॉइंट से पैरेलल इसके जो जाएगी लाइन वो भी इसको बराबर भाग में डिवाइड करेगी। यानी कि अगर हम इसको मान लें 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब बात करते हैं इस ट्रायंगल की, बात करते हैं इस ट्रायंगल में, देखिए यहाँ से ये वाला जो साइड है और यहाँ से ये वाला साइड है, दोनों इक्वल भाग में डिवाइड है। ये कह रहा है कि
ये जो यहां से यहां तक है ए इक्वल टू ई डी है, ए इक्वल टू ई डी है, तो यानी कि इसके पैरेलल है, तो ये और ये जो साइड है वो बराबर होंगे। तो मैंने क्या मान रखा है कि शुरू में ही ये वाला जो साइड है 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा यहां से यहां तक का। हमसे पूछ रहा था ए एफ अपॉन एफ सी, ए एफ कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, एफ सी कितना हो जाएगा, एफ सी कितना हो जाएगा 1+1 यानी कि 2 सेंटीमीटर, यानी कि रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 1:2। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है 3 नंबर है, तीनों को प्राइम है, एक दूसरे का सह आवाज संख्या है। फर्स्ट टू का प्रोडक्ट 475 है, लास्ट टू का प्रोडक्ट 1075 है, तो सम ऑफ नंबर क्या होगा, तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। ए बी और सी 3 नंबर होगा, तीनों को प्राइम है। ठीक है, ए और बी का प्रोडक्ट क्या दे रखा है, ए और बी का प्रोडक्ट 4, 7, 5 दे रखा है। बी और सी का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, ये 10, 7, 5। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो कुछ ना कुछ कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ पे बी कैंसिल हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 5, 5 और 20, 9, 5, 45 और 5, 25। यहाँ पे अगर बात करें 5, 2, 10, 1 और 5, 25, यहाँ पे फिर से 5 से कैंसिल करें तो 5 और 9, 5, 45, 19, यहाँ पे 5 और 20, 5, 3, 15, यानी कि 19/43। अगर ए की वैल्यू 19 है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 43। अगर ए की वैल्यू 19 है तो हम निकाल सकते हैं ए इंटू बी क्या दे रखा है, ए इंटू बी दे रखा है 4, 7, 5। ए की वैल्यू हमें 19 पता चल गया, तो 19 से अगर 4, 7, 5 को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 19 दूनी 38, 30 और 49, 95 यानी कि 25। तो बी की वैल्यू कितना आ गई, 25 आ गई, तो इसमें भी बी की वैल्यू कितना आएगी, 25 ही आएगी, क्योंकि दोनों जगह बी समान ही होगा। अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो हम यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी आई थी 43, इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा। अगर इसको बात करें तो ये 8, 6, 0 हो जाएगा और 5 दिए 15 और ये 5 और 20, 21 यानी कि 5, 7, 10 आ गया इतना। तो ए कितना हो जाएगा, ए 19 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और सी कितना हो जाएगा, सी 43। तो तीनों का योग कितना हो जाएगा 25, 19 और 43, आंसर हो जाएगा 9, 2 यहाँ पे 12, 12 9, 3, 12, 5, 17 और यहाँ पे 4, 2, 6, 1, 7, 8 यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा 87 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आशा करते हैं ये जो 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराए आप आसानी से इसको समझ पाए होंगे। अगले सेशन में कुछ और ट्रिकी प्रश्न के साथ मुलाकात करते हैं, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह का ट्रिकी क्वेश्चन आप तक आसानी से पहुँचता रहेगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।